नमस्कार भाइयों और बहनों, राम राम। कैसे हैं आप? तो भाइयों, आज मैं आपको एक दवाइयों के बदले मोटिवेशनल वीडियो देने जा रहा हूं, और बहुत ही अच्छा वीडियो है जो हर आदमी के जीवन में उतरने वाला वीडियो है। और ऐसा वीडियो कि आप याद रखेंगे कि किसी बाबा ने बहुत पहले हमें ये बातें बता दी थी, तो वही आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं मेरे वीडियो को शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो ये चैनल है रवि गिरी बाबा का सच, इसको आप सब्सक्राइब कर लो, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। उसको दबाएंगे तो आपको ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। तो आपको बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं कि आप अपने जीवन में अभी तक जो कुछ कर रहे हो, अपना फर्ज निभाते आ रहे हो और फर्ज ही निभाते चले जा रहे हो। और हर इंसान का सबसे बड़ा फर्ज हो जाता है औलाद को पालना। आप औलाद को पालना, बड़े प्यार से पालना, बड़ी अच्छी शिक्षा दे दे के पालना। लेकिन मेरी तीन बातें याद रखना कि इन तीन बातों का वहम कभी मत पाल लेना। औलाद पालना, लेकिन मैं जो तीन बातें बताऊंगा, इन तीन बातों का वहम अपने दिमाग में कभी मत पालना। पहली बात कि जो प्यार आज आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, जिस लाड प्यार से आप बच्चों की हर उम्मीद को पूरा कर रहे हैं, जैसे ही वो मुंह से मांगेगा कि तुरंत आप हाजिर कर देते हैं, करिए, अच्छी बात है, हर माँ बाप का फर्ज होता है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि जो आज आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसकी दोबारा से उम्मीद ऐसी मत करना कि आपके बच्चे आपके लिए कुछ करेंगे। ये पहली बात ध्यान और कान खोल के सुन लो कि ऐसी उम्मीद कभी मत कर लेना। नंबर दो, आज जो फर्ज निभाने के लिए आप कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा रोता है, रोते ही आप उसके हाथ के अंदर मोबाइल थमा देते हैं, और मोबाइल को देखते ही वो बड़ा खुश हो जाता है, खेलने लग जाता है, और ऊपर नीचे वो स्क्रॉल भी करता है, कुछ नए चीजों को ढूंढ भी लेता है। इतना कुछ आपने सिखा दिया उसको, कुछ नहीं जानता लेकिन मोबाइल चलाना हर बच्चा आज जानता है। ये सब आप बड़े प्यार से उसको सिखाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप इससे उसके जीवन में कांटे बो रहे हैं, उसके रास्ते के अंदर रोड़े डाल रहे हैं। जो आप ये कर रहे हैं, आप उसकी पहली डिमांड पे ही हर डिमांड को पूरी करने की इच्छा रखते हैं। ये सही है, आप रखिए, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। वरना दूसरी मेरी बात भी ये याद रखना कि जो आज आप फर्ज निभा रहे हैं, आप कभी उम्मीद मत पालना कि आपके बच्चे आपको, जितना आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं वो टाइम दे देंगे, जितना पैसा आप बच्चों पे खर्च कर रहे हैं उतना पैसा खर्च कर देंगे, और जो जो चीजें आप बच्चे के आगे तुरंत लाके डाल देते हैं, बच्चे आपके आगे डाल देंगे। ऐसी उम्मीद कभी मत पालना। आज जमाना बहुत बदल गया है, आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, बड़े किए हैं, अच्छे से अच्छा खिलाया है, अच्छे से अच्छा पहनाया है, उनकी शादियां की है, उनको नौकरी तक पहुंचाया है, आज वो सेल्फ डिपेंड है, ये सब आपने किया है। लेकिन आज के बाद में वही बच्चे एक टाइम आएगा और आपसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, आपने हमारे लिए क्या किया? ये हर माँ बाप को सुनने को मिल रहा है और मिलता रहेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो कभी भी ऐसी उम्मीद मत पालना कि जितना टाइम जितना पैसा आप अपने बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं वही लौट कर बच्चे आपके ऊपर लगाएंगे। ऐसा कभी अपने दिमाग के अंदर ये वहम मत पालना। तीसरी बात
ये गौर से सुनने की है कि पूरे जीवन में जो आपने मेहनत करके अपने बच्चों के लिए अपने पेट को काट कर कुछ जोड़ा कि कल को हमारे भविष्य में हमारे बच्चों को काम आएगा, उसमें आपने नगद पैसा भी बनाया, डंप प्रॉपर्टी भी बनाई, कुछ ऐसी चीजें भी खरीदी कि आगे भविष्य में काम देंगी, तो सबसे बड़ी और आखिरी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जो आपने प्रॉपर्टी अपने जीवन में खरीदी थी बच्चों के लिए, वो आप लालच में या फिर ऐसे भरोसे में कि बच्चे हमें बहुत कुछ देंगे, हमने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है, वो प्रॉपर्टी बच्चों को मत दे देना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। और जिस दिन आपने प्रॉपर्टी दे दी, आप याद रखना कि वृद्ध आश्रम इसीलिए बनाए गए हैं, और आज से पहले यानी आज से 50 साल पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी वृद्ध आश्रम नाम की कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन आज हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर वृद्धाश्रम फैलते जा रहे हैं। और ये इसीलिए फैलते जा रहे हैं कि ऐसे माँ बाप जो अपना सारा सब लुटा चुके होते हैं, उनको आखिर में यही तीसरा सहारा मिलता है। तो मेरी अगर मानो तो आपने जो कुछ जोड़ा है, जो अपने जीवन में कमाया है, वो आखिर तक अपने पास में रखेंगे तो आपका जीवन सुख में कट जाएगा, वरना आपको वृद्ध आश्रम जाना ही पड़ेगा, ये मेरी मान लेना। तो मैंने ये तीन बातें बताई है, इन तीन बातों के ऊपर गौर करना कि मैंने कितना, हालांकि मुझे पता है कि बहुत से जवान लड़के मुझे डिसलाइक भी करेंगे, गालियां भी देंगे, लेकिन ये सच्चाई है और आज के जमाने की सच्चाई है, यही होगा। आज जो बच्चे मुझे गालियां निकालेंगे, उन्हीं बच्चों के साथ सबसे पहले ये होने जाएगा, ध्यान रखना, अगर मेरी बात पे उन्होंने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है तो। तो मैंने आपको बता दिया, मोटिवेशन दे दिया, अब मानना ना मानना आपका काम है, आप अब इस पे गौर करिए। और मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे हाजिर होने जा रहा हूं, तब तक के लिए, जब तक कि मैं दोबारा नया वीडियो लेके आऊं, आप वीडियो को देखें और मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।